अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने ब्यूटीफुल व्यू के साथ, क्योंकि आजकल जापान का वेदर जो है वो डेली जो है वो बारिश आ रही है। सो काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन गर्मी अभी भी थोड़ी सी है, लेकिन बारिश जब होती है तो मौसम अच्छा हो जाता है। अदरवाइज़ जो है वो थोड़ी सी हबस बाकी है, लेकिन ये कुछ दिनों की बात है, फिर मौसम जो है वो चेंज हो जाएगा। सो गाइज़, यहाँ आज मैं जा रही हूँ दंकी, और आज मैं आपको बताऊँगी दंकी में क्या क्या चीज़ें जो है वो हलाल हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। सो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर दंकी शॉप पर, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें पहले नहीं पता होता कि वो हलाल हैं या नहीं हैं, हम डाउट में ही रहते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें पहले से अंदाज़ा नहीं होता। सो एंटर होने के साथ साथ सबसे पहली नज़र जो है वो मेरी इन कुछ प्रोडक्ट्स पर पड़ी है जो कि बहुत अच्छी हैं। ये जो फिनो का हेयर मास्क है, ये काफ़ी अच्छा है। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इस चीज़ को शेयर किया जाए। जो जापान में रहने वाले हैं ऑलमोस्ट उनको तो खैर पता ही होगा। और कुछ चीज़ें जो मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर, कुछ चीज़ें जो है वो डिस्काउंट में लगी हुई थी। यहाँ पर थी ये मेडिकेटेड रिंकल क्रीम, ये भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में जो है वो लगी हुई थी। और भी काफ़ी चीज़ें हैं दंकी में, अक्सर जो है वो यहाँ पर डिस्काउंट्स वगैरह काफ़ी जो है वो लगाते रहते हैं। काफ़ी रीज़नेबल शॉप है, और यहाँ पर जो है वो मैं चीज़ें काफ़ी जो है वो इफ़ेक्टिव होती हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं। यहाँ पर कुछ हेयर मास्क थे, कुछ क्लिप्स वगैरह थे जो कि डिस्काउंट पर लगे हुए थे, कुछ आईलाइनर्स थे, नेल्स वगैरह थे जो कि इन्होंने डिस्काउंट्स पर लगाई हुई थी चीज़ें। सो जब नज़र फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग एंटर होते हैं तो हमेशा नज़र डिस्काउंट्स पर ही जाती है कि किन चीज़ों पर डिस्काउंट जो है वो लगा हुआ है। तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना इन चीज़ों को जो है वो चेक कर लूँ। सो उसके बाद जो है वो मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से चेक किया, देखा किन किन चीज़ों पर है डिस्काउंट, और आप लोगों के साथ भी इसको मैंने शेयर किया। और यहाँ पर कुछ मास्क वगैरह भी हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छे और इफ़ेक्टिव हैं, और इनके रिज़ल्ट जो है काफ़ी अमेजिंग हैं। ये सीसा का जो फेस मास्क है ये भी काफ़ी अमेजिंग है, इसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। सो आप चाहें तो आप बाय कर सकते हैं, इनकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है, इतने एक्सपेंसिव नहीं है। तो गाइस अब आ जाते हैं अपने मेन सेक्शन में, जो स्नैक सेक्शंस है यहाँ पर, खाने पीने की तमाम चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्नैक है, इसके ऊपर हलाल का बकायदा टैग लगा हुआ है। आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी जिन पर हलाल का बकायदा टैग लगा होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर टैग तो नहीं लगा होता लेकिन वो हलाल होती हैं। ये स्नैक्स जो मैंने आपको दिखाए हैं ये सब हलाल हैं, और ये वाले स्नैक्स जो हैं ये किड्स के लिए बहुत अच्छे हैं, बच्चों के लिए काफ़ी जो है वो अच्छे हैं। ये आर्यन के स्कूल में भी जो है वो दिए जाते हैं, ये बकायदा मैंने चेक किया है, ये सब जो है बच्चों के लिए हलाल है। समटाइम आपका दिल चाह रहा होता है कि आप कुछ ना कुछ स्नैक्स में लें, खाएं, इंजॉय करें, लेकिन आपको पता नहीं होता, आप डाउटफुल होते हो कि ये जो है हलाल है या नहीं है। सो आप एक ऐप है वो मैं आपको बताती हूँ, आप उसको डाउनलोड करें और उससे आपको हर चीज़ के बारे में जो है वो पता चल जाएगा। हलाल जापान ऐप है, आप इस ऐप को डाउनलोड करें, जिस चीज़ के बारे में आप डाउटफुल हों वो आपको क्लियर कर देगा कि ये हलाल है या हराम है। सो गाइस कुछ लोगों को पता नहीं होता, ये चोको पाया जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पहले मुझे भी पता नहीं था कि ये हलाल है या हराम है, लेकिन जब मैंने उस ऐप से चेक किया तो ये हराम थे। सो उसके बाद से इसको जो है वो मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो है, और ये जो आप बबल गम्स होती हैं जो लोग पसंद करते हैं खाना, उनके लिए ये सब जो है ये हलाल है, इसके तमाम फ्लेवर्स हलाल है। गाना की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी फ्लेवर्स हैं चॉकलेट के, ये सब हलाल हैं। किट कैट यहाँ पे हराम है, और यहाँ पर जो चीज़ें मैंने अभी आपको शेयर की हैं ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो हलाल हैं। आप जब चाहें, जैसे चाहें, जब मर्ज़ी लेकर खा सकते हैं। और मैंने आपको जो ऐप बताई है हलाल जापान ऐप, आप उसको डाउनलोड करें और जहाँ कहीं भी हों, जिस शॉप पे भी हों, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके QR कोड को वो स्कैन करता है, और स्कैन के बाद वो आपको बता देता है कि ये आइटम जो है वो हलाल है या हराम है। सो गाइस खाने पीने के सेक्शन से फ्री होने के बाद हम लोग आ गए थे ड्रिंक्स की तरफ, और यहाँ पर ड्रिंक्स में भी काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी फ्लेवर्स होते हैं। यहाँ पर रेडीमेड बच्चों के दूध भी मिलते हैं जो कि रेडी होते हैं, जस्ट बिल्कुल तैयार बच्चों को आप देने के लिए। सो डॉक्टर जो है वो आपको रेकमेंड करता है तब आप
जो है वो उसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकती। सो आइसक्रीम में ये वाले पाम की आइसक्रीम जो है ये हलाल है, अदरवाइज दूसरी नहीं। और बाकी जो फ्रूटी आइसक्रीम्स होती हैं, फ्रूट्स की जो स्पेशली बनी होती हैं, वो हलाल होती हैं। यहाँ पर स्नैक में जो है मेरे पास नूडल्स थे, यहाँ पर इन पर भी बाकायदा टैग लगा हुआ है हलाल का, ये हलाल है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो हलाल टैग के साथ भी मौजूद हैं और विदाउट टैग भी, लेकिन उनके अलग अलग सेक्शन जो हैं वो बने हुए होते हैं। सो खाने पाने की चीज़ों से फ्री होकर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया जाए बर्तनों की चीज़ों को। और दोंगी में आपको हर किस्म की वैरायटी मिलती है, आपको खाने के सेक्शन, पीने के, आइसक्रीम्स, योगर्ट्स, मिल्क्स और क्रॉकरी वगैरह, हर चीज़ जो है वो ऑल इन वन इस दोंगी में पाई जाती है। सो यहाँ पर मैं कुछ बर्तन पर भी डिस्काउंट्स लगे हुए थे, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में, मुझे बहुत अच्छे लगे, सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूँ। यहाँ पर गाइस इन किचन मैट्स पर मेरी नज़र पड़ी, यहाँ पर इन पर भी काफ़ी डिस्काउंट लगा हुआ था, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मौजूद थे। किचन मैट्स काफ़ी अच्छे और थिक वाले थे और मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे। सो काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की और उसके बाद मेरी नज़र पड़ी है इन स्टैंड्स पर। सो यहाँ पर जब आपके पास स्पेस नहीं होती कुछ चीज़ों की, ये काफ़ी अच्छे होते हैं, आप आपकी जगह भी कम लेते हैं और आपका सामान भी जो है वो काफ़ी आ जाता है। तो यहाँ पर जो अपनी शॉपिंग कर रही थी वो अरियान ने कंप्लीट कर ली है जो लेना था, यहाँ पर हम करवा रहे हैं बिल और बिल करवाने के बाद हम जाएंगे घर वापसी की तरफ। घर आने के बाद हमें लग रही थी काफ़ी ज़्यादा भूख और हस्बैंड ने कहा कि आज मैं कुछ कुक करता हूँ, तो मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर कीजिए। सो उन्होंने जो है वो चिकन को ग्रिल किया था मैरिनेट करने के बाद और थोड़ा सा मसाला रेडी किया और नान पड़े हुए थे सो उन्हीं को जो है वो गर्म किया। सो डिटेल वीडियो नहीं मैं बना पाई। सो यहाँ पर ही आज का व्लॉग जो है वो एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।